आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ सर की है, सार्थक जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बिहार के रहने वाले सार्थक जी बताते हैं कि घटना यही कोई 4 से 5 साल ही पुरानी होगी। मुझे अच्छे से याद है, वो फरवरी का महीना था जब खेतों में धान के बीज बोए जा रहे थे, जिसमें पानी की अहम भूमिका थी और पानी की जरूरत पूरी कर रहा था गांव से थोड़ी दूरी पर बना हमारा बांध, जिसे कि बनते हुए हमारे दादाजी ने भी देखा है, यानी कि वो बांध बहुत ही पुराना है। खैर, घटना कुछ यूं है कि खेतों में बीज बोने के लिए उस वक्त डैम से पानी छोड़ा गया था, जो कि सीधे हमारे बांध से लगते हुए खेतों तक आ रहा था। इस वजह से हर बार की तरह ही इस बार भी रात को बांध में पानी की पहरेदारी करने के लिए 3 लोगों के 2 अलग-अलग ग्रुप्स बनाए गए, जो कि बारी बारी करके हर रात बांध में पहरेदारी करेंगे। बारी बारी मतलब कि अगर एक ग्रुप आज रात पहरेदारी करेगी तो दूसरे ग्रुप को कल रात पहरेदारी करना होगा, जिसके बाद ये पहरेदारी का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि खेती का सारा काम और डैम पानी छोड़ना ना बंद कर दे। उन दोनों ग्रुप्स में एक में मैं भी था, तो मुझे भी बाकी 2 लोगों के साथ मेरी बारी आते ही बांध पर पहरेदारी के लिए जाना पड़ेगा। ग्रुप्स बन जाने के बाद पहले दिन दूसरे ग्रुप्स की शिफ्ट लगी। उस रात मैं घर में खाना पीना खाकर सो गया। अगले दिन सुबह मैं दातून करते हुए घर से बाहर निकला तो देखा कि वो तीनों जो कल रात बांध में पहरा दे रहे थे, वो खेतों की तरफ से चलते हुए मेरी तरफ ही आ रहे हैं। मेरे करीब पहुंचते ही तीनों में से 2 जन आगे गांव की तरफ चले गए, मगर 1 जन मेरे पास ही रुक गया। मैंने उस आदमी से पूछा, कैसी रही कल की रात? जिस पर उस आदमी ने कहा, संभल कर रहना वहाँ। आगे पूछने पर उस आदमी ने बताया कि जब कल रात वो तीनों बांध के पर बने उस घर में सो रहे थे तो उसे अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई बांध के पानी में डुबकियां लगा रहा हो, मगर टॉर्च मारकर देखने पर कोई नजर नहीं आ रहा था, जैसे कोई जोर जोर से चीख रहा हो। मगर हैरानी वाली बात तो ये थी कि ये सारी आवाजें उसके साथ बाकी दोनों आदमियों को सुनाई नहीं पड़ रही थी। मुझे तो उस आदमी की सारी बातें बकवास लग रही थी, जिस वजह से मैं अच्छा ध्यान रखूंगा बोलकर वापस करके भीतर आ गया। मुझे तो पहले से ही इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, और मेरा शक यकीन में तब बदल गया जब मैंने इस बारे में पिताजी से बात की तो उन्होंने भी मुझे इस बात पर साफ नकार दिया। कुछ घंटों बाद ही शाम हो गई, जिसके साथ ही आसमान का रंग सफ़ेद से काला पड़ गया। रात के करीबन 8:15 बजे के आसपास मैं खाना पीना करके घर से बाहर निकला। चूँकि मेरा घर खेत के रास्ते में ही पड़ता था तो वो दोनों बांध की तरफ जाते वक्त मुझे लेते जाएंगे। कुछ देर वहीं इंतजार करने के बाद मुझे मेरे ही ग्रुप का एक आदमी मेरी तरफ आता दिखा। मेरे पास पहुंचते ही मैंने उससे पूछा, क्या बात है, और एक जन कहाँ है? जिस पर उसने बताया कि उस जन की तबीयत थोड़ी खराब है तो वो आज नहीं आ पाएगा। ये सुनकर मैं एक पल को घबराया, मगर फिर दूसरे ही पल मुझे ध्यान आया कि हम 3 नहीं तो 2 जन तो हैं ही। ये सोचते हुए मैं और वो दूसरा आदमी, जिसका नाम हरीश था, हम दोनों जने बांध की तरफ आगे बढ़ने लगे। चूँकि ये खेत का रास्ता था तो इस रास्ते पर लाइट तो थी ही नहीं। ठंड का मौसम होने की वजह से उस रास्ते पर हम दोनों के अलावा कोई तीसरा नज़र नहीं आ रहा था। गुप्त अंधेरे को चीरते हुए मेरी टॉर्च की रोशनी हमें आगे का रास्ता दिखा रही थी। टॉर्च की तेज रोशनी में साफ साफ पता चल रहा था कि कोहरा कितना घना है। कुछ देर चलने के बाद ही हम लोग उस शमशान के पास पहुंचे, जहां से वो बांध थोड़ी ही दूर पर था। शमशान को पार करने के कुछ देर बाद ही हम लोग उस बांध के पास पहुंचे तो बांध
पानी से लबालब भरा हुआ था। थोड़ी देर बांध पर यहाँ वहाँ टॉर्च घुमाने के बाद मैं और हरीश उस छोटे से घर में चले गए जहाँ से बांध कुछ ही मीटर की दूरी पर था। घर के भीतर दाखिल होते ही हम दोनों लेट गए और फिर कब हमारी आँख लग गई पता ही नहीं चला। ठीक आधी रात को एक तेज आवाज़ के चलते मेरी आँख खुल गई। उस आवाज़ को ध्यान से सुनने पर ऐसा मालूम पड़ रहा था कि जैसे कोई पानी में डुबकियाँ लगा रहा हो। ठीक उस आदमी के बताए मुताबिक वैसे ही आवाज़ सुनकर मैं झट से उठा और धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। टॉर्च मारकर चारों तरफ इधर उधर निगाहें घुमाई मगर कोई नज़र नहीं आया। मैंने बांध पर जाकर भी चारों तरफ देखा मगर सिवाय खामोशी के वहाँ कोई नहीं था। आसपास किसी को ना पाकर मैं वापस कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि फिर से मुझे वही आवाज़ आई। उस आवाज़ का पीछा करते हुए मैं बांध के एक किनारे पर पहुंचा और टॉर्च मारकर पानी में देखा तो पानी ऐसे हिल रहा था जैसे कोई उसमें डुबकियाँ लगा रहा हो मगर पानी में कोई दिख नहीं रहा था। मैं अभी उस जगह पर टॉर्च मारकर देख ही रहा था कि अचानक ही किसी के बचाओ बचाओ की आवाज़ें आने लगी। ये देखकर और सुनकर मैं समझ गया कि जरूर ताल में कुछ काला है। मैं भागते हुए अभी अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि इतने में ही किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया जिससे मैं औंधे मुँह ज़मीन पर जाकर गिर गया। सर पर चोट लगने की वजह से मेरी आँख बंद हो गई। फिर जब मेरी आँख खुली तो हरीश मेरे मुँह में पानी के छींटे मार रहा था। मैंने उठकर हरीश को पूरी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद हरीश कुछ बोलने जैसा हुआ मगर फिर दूसरे ही पल वो चुप हो गया। मैं घर पहुंचा और पिताजी को पूरी बात बताई तो हिचकिचाते हुए पिताजी ने बताया कि पिछले साल भी इसी तरह है बांध की पहरेदारी हो रही थी मगर पहरेदारी करते वक्त शराब पीकर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को गलती से बांध के नीचे पानी में धक्का दे दिया था जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। और धक्का देने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि सरपंच का ही बेटा था जिस वजह से सरपंच ने गांव वालों को मुंह बंद रखने की धमकी दी थी। और साथ ही पिताजी ने बताया कि जब ये हादसा हुआ था तब मैं काम की तलाश में बड़े शहर गया हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि लोग आज भी उस बांध में रात के वक्त जाने से कतराते हैं। तो दोस्तों ये थी सार्थक जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी लेकर।